हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है ओमपाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको LIC के रिलेटेड एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। वो है हाउ टू पास LIC एजेंट एग्जाम। देखिए, ये टॉपिक मेरा बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स और कॉल्स आ रहे हैं कि सर ये बताइए कि आखिर कैसे इसको पास किया जाए और अगर पास कर लें तो आगे क्या करना है। पूरा प्रोसेस समझाने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आई है, वही वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। हालांकि मेरा टॉपिक बिल्कुल अलग है बट आपके काम का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत लंबे समय से मैं पहले से ट्रेनिंग दे रहा था IRDAI एग्ज़ाम की, कैसे आपको पास करना है। ट्रेनिंग फीस मात्र 215 रुपये की है, जिसमें आपको पूरी तरीके से ट्रेंड किया जाएगा और आपका एग्ज़ाम पास कराया जाएगा, चाहे वो फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए, सेकेंड अटैम्प्ट में हो जाए। वन टाइम फीस है, आपका एग्ज़ाम 100% पास होगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, हम जो ट्रेनिंग कराते हैं उसमें आपको वीडियोस मिलती हैं सिर्फ, और वीडियोस के माध्यम से आपको समझाया जाता है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। आप जो काम करेंगे वो काम आप हमको भेजेंगे, व्हाट्सएप पे हम चेक करके आपको भेजेंगे कि आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं। और इसके अलावा आपको लाइव क्लास, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तब आपको लाइव क्लास दिए जाते हैं। तो अगर आपको एजेंट का एग्ज़ाम पास करना है तो इसके लिए आप IRDAI की ट्रेनिंग हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। पहले मैं एजेंट था लेकिन अब मैं एजेंट नहीं हूँ, चूँकि मेरी जॉब लग चुकी है, लेकिन हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है जिसको शेयर करके आपका एग्ज़ाम पास आउट कराऊंगा। अच्छा, अब चलते हैं मुद्दे की तरफ कि आखिर होता क्या है IRDAI एग्ज़ाम में। तो इसमें देखिए 50 क्वेश्चन रहते हैं, 17 नंबर अगर आपके आते हैं तो एक नंबर ग्रेस का मिल करके 18 नंबर पे आपको पास आउट कर दिया जाता है। सिंपल सिंपल सी बात है, आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए? आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड कंपलसरी है। फिर आप 10वीं क्लास पास होने चाहिए, मतलब अगर आपने 10वां पास कर लिया है, इससे ज़्यादा आप कितने भी पास हो, पर 10वां अगर आपने पास कर लिया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करा सकते हैं। अप्लाई कैसे कराना होता है? सिंपल सिंपल सा मेथड है, आपके पास में कोई भी ब्रांच है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, चाहे वो LIC इंश्योरेंस हो, कोई भी अलग इंश्योरेंस हो, उस ब्रांच में जाके कॉन्टैक्ट करिए। वहाँ पर कहिए मुझे एजेंट बनना है, मुझे एजेंसी कोड चाहिए। वहाँ पर वो आपके डॉक्यूमेंट लेंगे और आपका एग्ज़ाम अप्लाई करा देंगे। एग्ज़ाम जब अप्लाई हो जाएगा तो आपको एग्ज़ाम का डेट मिलेगा, हॉल सेंटर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको एग्ज़ाम देने जाना है। एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हो तो लगभग 8 से 15 दिन के अंदर अंदर एजेंसी कोड आपके पास तक आ जाता है। जब आपका एजेंसी कोड आ जाता है, आप किसी का भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस पे अलग अलग कमीशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप समझ गए मेरी बात को? अच्छा, जब हम एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उसके बाद का सिंपल प्रोसेस है कि आपका एजेंसी कोड आएगा, फिर आपको इंश्योरेंस लगाने हैं। इंश्योरेंस लगाने के लिए आप जिस ब्रांच में अप्लाई किए हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अप्लाई किए हैं एग्ज़ाम के लिए, उसी से आपको फॉर्म मिलेंगे। अलग अलग तरीके के फॉर्म नंबर के हिसाब से मिलेंगे, जिसमें जिस कस्टमर का आप इंश्योरेंस करेंगे उस फॉर्म के अकॉर्डिंग उस कस्टमर को वो फॉर्म देंगे। तो वो सब कुछ आपको वहीं से मिलेगा। फिलहाल में मेन मुद्दा हमारा यही है कि आपको एग्ज़ाम पास करना है, और एग्ज़ाम पास करने के लिए मैंने आपको ट्रेनिंग के बारे में बता दिया। आप लोग मेरे पास ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, उसका वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। फीस 215। अच्छा, आप फीस डिपॉजिट कैसे करनी है और कहाँ करनी है? देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, या आप जब कमेंट में लिखेंगे तो आपको कमेंट में भी हम अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। आप हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे और जो नंबर आपको दिया होगा उस नंबर पर गूगल पे करेंगे, यानी 215 रुपीज़ गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट आप हमें भेजेंगे। हम आपका स्क्रीनशॉट देखने के बाद आपका क्लास जो है वो शाम यानी कि नाइट 9 PM से स्टार्ट कर देंगे। नाइट 9 PM से आपको भेजना शुरू कर देंगे और डेली एक क्लास आपको मिलेगा, 5 to 10 क्लासेस होंगे लगभग। हालांकि एग्ज़ाम आपका कब है ये भी डाउट रहता है, चाहे आपका एग्ज़ाम एक दिन में हो, 4 दिन में हो, 1 घंटे में हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको उसी हिसाब से तैयारी कराएंगे जितना टाइम आपके पास है। अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम है तो 1 घंटे के हिसाब से हम तैयारी कराएंगे कि आपका एग्ज़ाम पास हो जाए। हमने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हैं अपने यहाँ पर, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम पास करने के लिए, एग्ज़ाम अप्लाई करने के लिए, एग्ज़ाम में क्या आता है ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, थैंक यू।